everyone, my YouTube family. It's Sunday and I am shooting this particular video for you guys. This video is the most requested video by you guys. This video is all about my morning skincare routine. तो नमस्ते माई यूट्यूब फैमिली, और जो लोग मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि आई एम प्रियंका त्यागी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। जो वीडियो है इट्स नॉट अ व्लॉग, ये वीडियो सिर्फ मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होने वाली है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज करे हैं ये प्रोडक्ट्स मेरे अपने एक्चुअल स्किन केयर रूटीन है जो मैं सालों से फॉलो करती आ रही हूँ। जब मैं कैबिन क्रू थी तब से फॉलो करती आ रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे अपने बारे में कुछ बात करूंगी, कुछ बताऊंगी एंड स्किन केयर भी आपको बताऊंगी। तो जिन लोगों के ये सवाल थे और कंफ्यूजन था कि आप जो ये लड़की इतनी सारी चीजें लगाती है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे क्या यूज करना चाहिए, तो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। जो शॉर्ट्स वीडियोस में मेरे लिखा होता है पेड प्रमोशन, वो होता है पेड प्रमोशन, मतलब ब्रांड्स आर पेइंग अस। इट्स लाइक एन एड जो टीवी पे आता है कि आप ये निविया यूज करो, ये यूज करो। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको बाय करना है। बट यस, जिन प्रोडक्ट्स का मैं प्रमोशन कर रही हूँ दे आर एक्चुअली वाव प्रोडक्ट्स, मैंने खुद ने यूज करे हैं। एंड उसमें से जो प्रमोशन के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं तो मैं सच में मैं खुद बाय करती हूँ, बट आई कांट टेक द नेम्स पॉलिसीज। तो यस, बट नीचे मैं मेंशन कर देती हूँ कमेंट्स में कि इट्स रियली नाइस, यू गाइस शुड ट्राई दिस प्रोडक्ट। तो उसको सीरियसली लिया करो, बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड होने वाली है। अनफिल्टर्ड से याद आया, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं फिल्टर ब्यूटी हूँ, बोटॉक्स ब्यूटी हूँ, फिलर्स ब्यूटी हूँ। तो भाई कुछ भी समझ लो बट ब्यूटी तो हूँ। तो यस, दिस इज माय एक्चुअल स्किन, जो अभी पसीना भी आ रहा है और थोड़ी सी रेडेड भी हो रही है, जिसपे अभी मैं आपको टोटल स्किन केयर रूटीन बताऊंगी। इस चीज को मैं क्या ही मानूं, बट हाँ मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे फॉलोअर्स मुझे सामने से देखते हैं। वो मुझे कहते हैं कि हमें लगता था कि आप स्क्रीन पे बहुत सारे फिल्टर्स और ये यूज करते हो, बट यू आर एक्चुअली ब्यूटिफुल। तो यार हूं तो यार अब मैं, और मैं अब अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करूंगी, मतलब स्क्रब करूंगी। और आप कोई भी स्क्रब यूज कर सकते हो, बट व्हाट आई एम यूजिंग आई विल टेल यू द प्रोडक्ट्स, नीचे आई विल लिंक द प्रोडक्ट्स, तो आप जाकर चेक कर लेना, ठीक है। और बस चलो स्टार्ट करते हैं। टा सो आई एम यूजिंग द बॉडी शॉप का विटामिन सी डल्ट फॉर डल टायर्ड एंड ग्रम्पी स्किन। तो स्क्रब शुरू करते हैं। अच्छा, मैं पूरी बॉडी पे भी स्क्रब करती हूँ हर हफ्ता। आप लोग ऐसा लगता होगा कि मेरी बॉडी भी सेम ही कलर कैसा है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को भी स्क्रब करती हूँ, नेक, हैंड्स, अंडरआर्म्स, सबको। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हल्का सा आपने अपनी स्किन को वेट किया एंड स्क्रब स्टार्ट कर दिया। यार एक्सफोलिएट करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट बहुत ही हार्श स्क्रब आप नहीं ले सकते हो अपनी फेस के लिए। बॉडी के लिए तो फिर भी चल जाता है, बट मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ और आज भी बोल रही हूँ, कॉफी, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते हैं कि कॉफी यूज करा करो, ओ माय गॉड, कैसे आप लोग कॉफी यूज कर सकते हो यार फेस और नेक के लिए, कम ऑन, प्लीज पढ़ो जाके। इतने अच्छे अच्छे आप लोग इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, बट आप डॉक्टर्स को फॉलो नहीं करते जो आपको एक्चुअल में बताते हैं कि डू नॉट यूज कॉफी ऑन योर फेस। फॉरेस्ट एसेंशियल का फेशियल ट्रीटमेंट मास्क जो है सैंडलवुड एंड नागकेसर। डोंट वरी गाइस, मैं लिंक दे दूंगी। ओके, तो मास्क मैंने लगा लिया है। अब मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि माई स्किन इज कॉम्बिनेशन स्किन, सो द प्रोडक्ट आई एम यूजिंग वो मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट डॉक्टर्स। प्लीज डॉक्टर के पास जाइए और उनसे पूछिए आपकी स्किन टाइप क्या है, आपको क्या प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। आजकल बहुत ज्यादा
चल रहा है नायासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, यस दे आर गुड, दे आर वेरी गुड फॉर योर स्किन, बट आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर आपको बताएगा. क्या पता कॉम्बिनेशन स्किन हो और आपके पिंपल्स हो, क्या पता आपकी ड्राई स्किन हो फिर भी आपके पिंपल्स हो, तो आपको अलग ट्रीटमेंट की जरूरत है. तो प्लीज ब्लाइंडली किसी भी इन्फ्लुएंसर को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. मेरे पे बॉम्ब मत फोड़ देना कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट यार मैं इन्फ्लुएंसर्स के ना नाम नहीं ले सकती, वरना आई स्वेयर मैंने बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स को सामने से देखा है एंड मुझे बहुत शॉक लगा है. और कुछ इन्फ्लुएंसर्स को मैंने सामने से देखा है जो सच में बहुत प्रिटी हैं एंड दे वेरी जेन्युइन, और वो सच में जब उनके व्लॉग्स और वीडियोस में आकर वापस देखती हूँ तो वो सच में वही हैं जो आपके सामने हैं. बट कुछ ऐसी इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है कि वो मुंह खोलते ही मैं क्या बोलूं, एंड दे वर स्टिंकिंग और बैड स्मेल, बैड मेकअप, और कैमरा में विद फिल्टर इट वॉज लुकिंग स्मूद. सो प्लीज ये ट्रैप में मत फंसो. इस वॉश करके आती हूँ. अब मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करूंगी. सो आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर जो सालों से मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ये मॉइस्चराइजर ये मुझे डॉक्टर ने ही बताया था एंड इट्स रियली नाइस फॉर योर स्किन. तो हम यूज करते हैं, उसके बाद अपने फेशियल हेयर रिमूव करेंगे. मेरा आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है. आप लोग को ही चाहिए थी तो थोड़ा ज्ञान भी तो पेलूंगी मैं. बिना मॉइस्चराइजर के प्लीज कोई भी रेजर आप फेस पे यूज मत करना. नहीं, मेरे इतने ज्यादा फेशियल है नहीं, बस जितने मैं आपको दिखा दे रही हूँ. ये भी मुझे नहीं चाहिए. फेशियल है रिमूव कर लिए हैं और अब मैं फिर से मैंने पानी से वॉश कर लिया अपने फेस को. अगर आपकी स्किन अगर आपके पिंपल्स हैं फेस पे तो प्लीज ये रेजर यूज मत करना और वैक्स भी मत कराना. हील होने देना, देन ओनली यू शुड यूज रेजर. वैक्स फेशियल हेयर के लिए कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, वो आपकी स्किन के लिए बहुत हार्श है. ठीक है, रेजर इज द सेफेस्ट थिंग यू कैन यूज ऑन योर बॉडी, ऑन योर फेस. और ये मिथ है कि आपके बाल जाड़े आएंगे. यार मैं तो इतने सालों से यूज कर रही हूँ, नॉर्मल है मेरे बाल. तो आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर अगेन, माई फेवरेट मॉइस्चराइजर, फेस मॉइस्ट. आई शेयर द लिंक, डोंट वरी, बिकॉज ये फ्रंट कैमरा से बन रहा है तो मुझे बैक कैमरा की आदत नहीं है. तो चलो लगाते हैं और शुरू. अगर आपको लग रहा है कि आपका फेस रेड हो गया है तो प्लीज आप आइसिंग कर लो, और आइसिंग करने के बाद मॉइस्चराइजर लगा लो और 4-5 घंटे के लिए अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ दो मॉइस्चराइजर लगा के. क्योंकि एकदम से आपने स्क्रब भी करा है, एक्सफोलिएट किया है और आपने रेजर यूज किया है, तो आप एकदम से सारे एसिड्स अपने फेस पे यूज नहीं कर सकते. हाय, तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू गाइस कि अगर आपने जिस दिन एक्सफोलिएट किया है और रेजर किया है, फेशियल हेयर रिमूव करे हैं, तो आप 4-5 घंटा लो, उसके बाद अपना स्किन केयर रिजीम फॉलो करो. मैं एक्चुअली दिन में एक्सफोलिएट कम करती हूँ. अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं अपना स्किन केयर रूटीन ही फॉलो करती हूँ. मैं रात में एक्सफोलिएट कर लेती हूँ और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा के सो जाती हूँ. सो वो मेरे लिए ईजी रहता है. चलो अब स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैं लगाऊंगी विटामिन सी सेरम. ये मुझे एक डॉक्टर ने बताया था, रेजियो ग्लो फेस वॉश. 8 साल हो गए मुझे यूज करते हुए और ये कंटिन्यू मैं यूज कर रही हूँ दिस फेस वॉश. इसके अलावा मुझे कोई फेस वॉश समझ में नहीं आया अभी तक. सो दिस इज माय फेवरेट फेस वॉश. फेस वॉश करने के बाद अच्छे से फेस को ड्राई करना है और आपको लगाना है विटामिन सी. सो डोंट किल मी फॉर दिस बिकॉज आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, बट आपने बोला था कि यू गाइज ऑलवेज आस्क मी टू शो माई एक्चुअल स्किन केयर प्रोसीजर, स्किन केयर रूटीन. हाँ, स्किन केयर रूटीन तो मैं वही शो कर रही हूँ. विटामिन सी पॉलाज चॉइस बूस्ट C15 सुपर बूस्टर, 15% विटामिन सी विद विटामिन ई एंड प्लस फेरुलिक एसिड, ऑल स्किन टाइप. ठीक है, तो पहले हम इसको लगाते हैं. मैंने 6 ड्रॉप्स लिए हैं, बहुत ही छोटे छोटे. ओके, और इसको कभी भी, यार आपको पहली बात तो ये प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं, आप इसको हाथ पे ऐसे नहीं कर सकते हैं. हल्का सा रब करना है. ठीक है, आंख के ऊपर भी
आंखें नीचे भी। एंड ऐसे कभी नहीं करना है, क्योंकि एक तो इतना महंगा प्रोडक्ट है और आधे से ज्यादा प्रोडक्ट आप हाथ पे लगा के छोड़ सकते हो। और इमीडिएटली इसको फटाफट से विटामिन सी को बंद कर दो, इसके डिब्बे में क्लोज कर दो, और इसको किसी ऐसे डार्क प्लेस पे रखो जहां पर सनलाइट ना आए, क्योंकि ये बहुत जल्दी उड़ जाता है, प्लस इसका कलर चेंज हो जाता है। और अगर विटामिन सी का कलर आपका डार्क ब्राउन हो जाता है तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो इस विटामिन सी को आपको एक मिनट एटलीस्ट 60 सेकंड्स के लिए स्किन पे छोड़ना जरूरी है। एक मुझे ये भी विटामिन सी बहुत अच्छा लगा था, इंडी वाइल्ड, जिसमें है 15% विटामिन सी, अश्वगंधा एंड टर्मरिक, फेरुलिक एसिड, नायासिनामाइड, विटामिन ई एंड हाइलोरोनिक एसिड, इट हैज एवरीथिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, बट जो मुझे इसका ड्रॉबैक लगा था वो ये लगा था कि ये ना बहुत जल्दी कलर चेंज करता है, बहुत जल्दी कलर चेंज करता है। तो आप इसकी ना 10 ml की ही बॉटल लेना, एंड दिस प्रोडक्ट इज रियली रियली नाइस एंड वेरी इफेक्टिव। अब मैं लगाऊंगी हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, हमें से बहुत लोग ये गलती करते हैं, हमें पता नहीं होता एक्चुअली कि प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है, और हम प्रोडक्ट को ब्लेम कर देते हैं, ओ मेरी स्किन पे ब्रेकआउट्स हो गए, मेरी स्किन को सूट नहीं करा। पहले प्रोडक्ट्स को ढंग से यूज करना सीखो। हाइलुरोनिक एसिड को यूज करने का एक तरीका होता है, ठीक है? और हाइलुरोनिक एसिड, मुझे पता है तुम लोग अभी भी बोलोगे दीदी इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, बट रुक जाओ। ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ये है विशी मिनरल 89, एंड क्या बोलू मैं इस हाइलुरोनिक एसिड के बारे में, इट्स जस्ट वाओ। इमीडिएट इफेक्ट, और इतना सूट करता है ना मेरी स्किन पे, माय स्किन इज कॉम्बिनेशन, और मैं इसके बारे में जितनी तारीफ करूँ ना कम है। और ये है आपकी स्किन के लिए, एक्चुअली इट्स रिटन डेली बूस्टर, एक्चुअली में ये डेली बूस्टर है। तो यूज कैसे करना है मैं आपको ये बताती हूँ। आपने विटामिन सी लगा लिया, एक मिनट के लिए वेट कर लिया, ठीक है? उसके बाद आप कोई भी थर्मल स्प्रिंग वाटर लेना है, या तो अवेन का थर्मल वाटर या फिर डर्मालॉजिका, या कई लोग इसे अवीन भी, ये दिख नहीं रहा होगा मैं नीचे लिंक कर दूंगी, कई लोग इसे अवीन भी बोलते हैं, बट आई थिंक द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज अवेन और डर्मालॉजिका। तो अभी ये बहुत महंगा है, ये ओके ओके है, तो आप चूज कर लेना किस में से करना है। तो आई एम यूजिंग डर्मालॉजिका, और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। शेक एंड देन स्प्रे। हाइलुरोनिक एसिड को कभी भी नेकेड स्किन पे नहीं लगाया जाता है, वो आपकी स्किन को ड्राई कर देगा। तो जैसे ही आपने अपनी स्किन को वेट कर लिया, आप हाइलुरोनिक एसिड के पंप लेंगे। आई एम टेकिंग 3 pump, ओके? 2-3 इनफ। और ये डायरेक्टली अपने फेस पे फट 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 लगाना, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड बहुत जरूरी है कि आप जल्दी 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 जल्दी, या जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो ना, आईज के नीचे जरूर लगाना। बहुत ही हल्का टच देना है फेस पे, यानी कि आप रब कर रहे हो, आईज के ऊपर जरूर प्रेस करके लगाना है, आईज के नीचे व्हाट एवर प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग। हाइलुरोनिक एसिड का एक और फटाफट से रूल है कि हाइलुरोनिक एसिड के तुरंत बाद आपको मॉइस्चराइजर की लेयर लगानी है फेस पे, उसको लॉक करने के लिए मॉइस्चर को, ठीक है? फट 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 फट, मतलब इसमें देर नहीं लगानी। और आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट मैंने हाथ पे इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है फॉर लाइक 15 minutes, लीव इट लाइक दिस, ठीक है? और कभी भी प्रोडक्ट जो बचता है उसको आप हैंड्स पे यूज कर लो। And I'll see you guys after 15 minutes. Ah, I am back. And now I will use my favorite day cream, eye cream, aur jo hai Biossance. Link description mein de dungi. So take a small amount and start applying. Wait for
वन मिनट 60 सेकेंड्स उसको अंदर जाने दो, आई क्रीम को थोड़ा ठहरने दो, एंड देन आई विल लॉक एवरीथिंग सनस्क्रीन से. अब बारी आती है मेरे फेवरेट पार्ट की, और जो है सनस्क्रीन. माई फेवरेट सनस्क्रीन इट्स La Roche-Posay एंड आई लव दिस सनस्क्रीन. इतने सनस्क्रीन मैंने यूज करे हैं, बट कोई आंख के अंदर अगर जरा सा लग भी जाता था तो इतनी जलन होती थी, या फिर मैं आंख के आसपास लगा ही नहीं पाती थी सनस्क्रीन बिकॉज मेरी आंख से पानी निकलने लग जाता. मेरी जिंदगी बदल गई एंड आई एम इन लव विद दिस सनस्क्रीन. सेकेंड नंबर पे सनस्क्रीन मुझे जो पसंद आया है वो है मिशा वाटरप्रूफ सन मिल्क SPF 50. अच्छा, दोनों ही SPF 50 प्लस 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 है. प्लस सबसे बड़ी बात, इसमें UVB प्लस UVA है, इसमें भी UVB प्लस UVA है. और कभी भी आपको सनस्क्रीन यूज करना है, शेक वेल. तो राइट नाउ आई एम यूजिंग La Roche-Posay 50 प्लस. इट्स नॉट द टिंटेड वन, एंड आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन दैट इट्स वेरी एक्सपेंसिव. दैट इज वाई आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट ओनली फॉर माई फेस. For my body, I'll tell you दूसरा product कौन सा use करती हूँ. So let's use this. Face के लिए sunscreen आपको लेना है, यानी खत्म होने वाला है already. 1 line, 2 line, 3 line, ठीक है. ये होता है face के लिए sunscreen. तो बॉडी के लिए आई ऑलवेज यूज दिस स्प्रे वाला सनस्क्रीन. इट्स फॉर सेंसिटिव स्किन एंड हैज SPF 50 प्लस UVB एंड UVA. SPF 50 प्लस UVB UVA, करेक्ट. ओके, सो दिस इज अवेन सनस्क्रीन, जिसको आप अवीन भी बोलते हो, बट मैं अवेन बोलती हूँ. शेक वेल, लाइक स्लोली वेल, एंड देन ओपन. जितना भी आपको लगाना है पहले, लेकिन अपनी बॉडी पे कोई भी मॉइस्चराइजर लगाए, नेक पे लगाए मॉइस्चराइजर, और उसके बाद ही ये सारे प्रोडक्ट्स लगाए. तो मॉइस्चराइजर मैंने यूज कर लिया है. ओके, सो नाउ माई स्किन केयर इज डन. एंड आई एम श्योर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ तो आप लोग कैसे यूज करें. सी, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जेनरली ऑल्टरनेटिव्स बताते हैं, बट दैट यू गाइज हैव टू डिसाइड कि इसका ड्यू क्या हो सकता है, बिकॉज आई तो डोंट नो एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर. और जो मैं ये बता दूं कि ऑयली स्किन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ये मैंने कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपके एक्ने नहीं है तो, बिकॉज आई डोंट हैव एक्ने. और एक चीज और, सिर्फ प्रोडक्ट्स के पीछे मत भागो. आई टेक, मैं आपको टैबलेट्स भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेती हूँ अपनी रियल लाइफ में टैबलेट्स. सो वेट. ओके, तो ये सारी टैबलेट्स मैं रोज लेती हूँ. फिश ऑयल 1, नीचे लिंक दे दूंगी मैं. और ये है एंटी ऑक्सीडेंट कैप्सूल, इसका लिंक भी दे दूंगी. दिस इज फॉर ल्यूब्री जॉइंट प्लस, क्योंकि मैं जिम करती हूँ. मेरा इवियन का विटामिन ई, दिस इज नॉट ग्रीन वाली कैप्सूल, दिस इज येलो वाली कैप्सूल, एंड दिस इज बीकासोल. ये ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा में ऐसा है. लेट्स टेक दिस. एक शॉट. विथ फुल 1 glass ऑफ वॉटर. ओके, ये होगी कैप्सूल्स की बात. जितना आप स्किन पे लगाने पे ध्यान दोगे प्रोडक्ट्स पे, उससे ज्यादा आपको खाने पे ध्यान देना है, क्योंकि आप जो खाओगे वही आपको स्किन पे दिख. मैं कैप्सूल्स लेती हूँ खाने के आधे घंटे बाद. ओके, प्लस कोकोनट वाटर पीती हूँ मैं 2 glass, एक खाली पेट सुबह सुबह. एक इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी कि वॉट आई ड्रिंक एंड ईट, ठीक है. बट मैं अभी आपको एक जिस्ट दे दे रही हूँ कि कोकोनट पानी में जरूर पीती हूँ, और फ्रूट जूस में नहीं पीती हूँ. फ्रूट्स खाती हूँ, वो ज्यादा
अच्छा होता है. फ्रूट जूस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी एंड स्किन. इससे अच्छा वेजिटेबल जूस पी लो. कभी कभार वेजिटेबल जूस पी लेती हूँ. हेल्दी खाती हूँ, बाहर का खाना कम खाती हूँ. और अगर खाती भी हूँ तो एक डे बना रखा है मैंने कि अगर खाऊंगी तो मैं संडे के संडे खाऊंगी, इससे पहले नहीं खाऊंगी. दिस वाइटमिन सी 1000 mg एवरी डे इन अ ग्लास ऑफ वाटर. डिजोल्व हो जाती है ये टैबलेट और पानी में डाल के मैं पीती हूँ. आई थिंक 5,000 या 6,000 या 7,000 का होगा. लरोश पोजे का सनस्क्रीन आई थिंक 6,000 का होगा और आई क्रीम आई थिंक 8,000 या 7,000 की होगी. तो अगर आपको इसका अच्छा ड्यूप मिलता है तो आप यूज करें. मुझे इसका कोई अच्छा ड्यूप नहीं मिला क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करे हैं. सिर्फ एक प्रोडक्ट जो मुझे मैं आज तक टिकी हुई हूँ वो है सिडर्मा या फिर सेसडर्मा. मैं नीचे लिंक दे दूंगी. वो प्रोडक्ट लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है सिडर्मा, जो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ. ड्राई क्रीम बेस्ट है और वो इतने महंगे भी नहीं है. 2000 जो आपके चल जाते हैं 6-7 महीना, मतलब 6-7 महीना तो आप सिडर्मा के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो. मैं लिंक दे दूंगी. उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक करें उनके प्रोडक्ट्स. उनके पास सब कुछ है एंड दे आर जस्ट वाव, मतलब वाव. तो आप उनके प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो. ये ड्यूप मुझे पता है कि हाँ मैं सिडर्मा बता दूंगी, बट बाकी मुझे ड्यूप्स नहीं पता. रेस्ट यू गाइज विल डिसाइड. अब हम बात करते हैं जो कॉमेंट्स आते हैं मेरे ऊपर. ठीक है, आई थिंक रोमियो को बाहर जाना है. ही इज माय रोमियो. रोमियो हेलो, कहाँ जाना है? आप हाय तो बोल दो, सबने आपके लिए इतना प्रे किया था. ओके, मैं डोर ओपन कर दिया. चलो अच्छा गो. बहुत सारा मुझे लोग बोलते हैं वो मैं बता दूं. इसकी स्किन इतनी चमक रही है क्योंकि इसने अपने चेहरे और लिप्स का बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया है, मतलब लिप्स में और चीक्स में बोटॉक्स फिल करवाया है. इसलिए इनके लिप्स और चीक्स इतने प्लम्प और शाइनी लगते हैं. बेवकूफ बना रही है सबको स्किन क्रीम को बोल के. जो भी बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा लेगा ना, इसके जैसा ही लगेगा. बॉलीवुड हीरोइंस की तरह चीक फिलर और लिप फिलर ट्रीटमेंट करवाया है, जो बिल्कुल बकवास और अननेचुरल लगता है. ऐसा लगता है जैसे फेस पर और लिप्स पर सूजन आ गई हो, ब्रैकेट में स्वेलिंग. शी इज नॉट टेलिंग एवरीथिंग ट्रू योर, डोंट बिलीव हर ब्लाइंडली गाइज. ओके, फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या? मैम आपने शायद बोटॉक्स लगवाती है फेस पे. हमें चू ना बनाए प्लास्टिक सर्जरी की दुकान. इतना प्लास्टिक सर्जरी अगर कोई और करवा ले तो नॉर्मल लड़की भी आपके जैसे लगने लगे. ओके, तो ये सारे कमेंट्स आते हैं. यार मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मुझे ये ज्यादा फील नहीं होता बिकॉज आई नो आई एम नेचुरल. और जो चीज़ मैं कराती हूँ वो मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ. और मैंने तो अभी से अनाउंस कर रखा है कि जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी और तब कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी कि जिसमें आप पूरा, अभी तो सर्जरीज है और जिसमें आप यंग, मैं बुढ़ी होकर मरना नहीं चाहती. तो ऑफकोर्स आई गो फॉर सर्जरी, मैं पहले ही बता दूँ. तो इतनी मैं वोकल हूँ अबाउट दिस एंड पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग प्लास्टिक सर्जरी एंड एवरीथिंग, इट्स देयर चॉइस, देयर मनी. और जो लोग ये ट्रोल करते हैं आई थिंक दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, विद देयर लुक्स और विद देयर स्टेटस. एंड वो अपने आप को ही ट्रोल कर रहे हैं बाय ट्रोलिंग पीपल ऑनलाइन, इन्फ्लुएंसर्स को. तो आई फील पिटी फॉर देम, आई डोंट फील बैड. प्लस अब नाउ आई शुड टॉक अबाउट माय लिप्स एंड चीक्स. लिप्स पे मैंने फिलर्स लिए हैं, मैं 50 बार बता चुकी हूँ. अपने लोअर लिप्स पे नहीं, अपर लिप पे लिया है, वो भी फिलर्स का हाफ बॉटल से भी कम लिया है मैंने, मतलब 0.3-0.4 आई टुक द फिलर. और चीक्स, ओ माई गॉड, यू नो वॉट, चीक्स का यार पता नहीं ये ब्लेसिंग है या क्या है, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी से भी मिलती हूँ तो वो लोग को ऐसे लगता है कि मैंने चीक्स पे फिलर लिए हैं. इनफैक्ट मैं अपने ये चीक्स को, प्लम्पी चीक्स को कम कराने के लिए इट्स बीन आई थिंक 2 years आई एम टेकिंग हाइफू ट्रीटमेंट सो दैट मेरी ये चीक्स फ्लैट हो जाए. बट ये फ्लैट नहीं हो सकते. जितने फ्लैट हो सकते हैं उतना फ्लैट मैंने करवा लिया है. मेरे डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि सब लोगों को चीक्स प्रोमिनेंट चाहिए और आपको फ्लैट चाहिए, बिकॉज मेरा फेस जो है वो बहुत स्मॉल है और मुझे, दिस इज माई चॉइस, मुझे ये चीक्स अच्छे नहीं लगते. और तुम लोग को लगता है कि मैंने चीक्स फिलर लिए हैं. एंड
एक चीज और, ये जितने भी ट्रोलर्स हैं अनपढ़ो, पहले ये जान लो कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो होता है वो आपके रिंकल्स के लिए होता है, जो सुपरफिशियल रिंकल्स आ गए हैं आपकी, जो आप फेशियल जेस्चर्स करते हो, जैसे ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, या आपको बार बार ऐसे करने की आदत है, तो आपके यहाँ पे लाइन्स पड़ गई है जो बहुत प्रोमिनेंट है, जब आप ऐसे नहीं कर रहे हो तब भी प्रोमिनेंट है, उनको रिलैक्स करने के लिए बोटॉक्स होता है, ना कि आपके फेशियल फीचर्स चेंज करने के लिए होता है. फिलर्स इटसेल्फ सेज फिल, ठीक है, तो फिलर्स होता है, अगर जैसे मेरी आईज है तो ये अंदर की तरफ को है, बट मुझे ऐसे पसंद है, बट किसी को ये पसंद नहीं होता, तो दे टेक फिलर्स ताकि इन्हें फिल करके आप ऐसे भर सको. बट माय आईज आर स्मॉल, और भगवान ने मुझे ये स्ट्रक्चर आई थिंक दिया ही इसलिए क्योंकि मेरी आंखें स्मॉल हैं और थोड़ी मेरी आंखें दिखे, तो आई थिंक इसलिए मेरी आंखें अंदर की तरफ को है, इसलिए मैं फिलर्स नहीं लेती. और चीक्स का मैं आपको बता चुकी हूँ यार, मैं अभी भी डिसअपॉइंट होती हूँ अपनी चीक्स को लेके, बिकॉज पहले इट वॉज सो प्रोमिनेंट कि जब भी मैं हंसती थी तो मेरी आंखें बंद हो जाती थी और चीक्स ऊपर आ जाते थे, एंड पीपल यूज टू लाइक दैट. बट मुझे वो कॉम्प्लीमेंट की जगह एक कर्स लगता था, क्योंकि लोग मुझे बोलते थे कि आपने चीक फिलर्स कहाँ से ले. मैं कभी भी ऑडिशंस पे जाती थी या कहीं भी जाती थी तो लोग मुझसे साफ आके पूछते थे, हे प्रियंका आपने ये इतने नेचुरल चीक फिलर्स कहाँ से लिए, इट्स रियली लुकिंग नाइस. अभी रिसेंटली मेरे सॉन्ग में ये हुआ कि लोग मुझे आके बोलते थे कि मेरे कलीग ने मुझे आके बोला कि यार मेरी ना फ्रेंड को भी कराना है, तो आपने ये चीक फिलर्स कहाँ से कराए, कौन से डॉक्टर से कराए मुझे बता दो. एंड मुझे सच में बहुत बुरा लगा, बिकॉज अब फिलर्स और इतना सब कुछ इतना प्रोमिनेंट हो गया है कि ना, कि लोग नेचुरल चीजों को भी समझते हैं कि दे आर अननेचुरल. सो बस मुझे इसी चीज का बुरा लगता है, बाकी मुझे आपके कमेंट का बुरा नहीं लगता. ये ट्रोलर्स जो है ये अनपढ़ है एंड दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद देयर लाइफ, सो इट्स ओके, आई एम ओके विद इट. एनीवे आज सब कुछ क्लियर हो गया है, एंड आई थिंक आई होप यू गाइज हैव एन आइडिया व्हाट प्रोडक्ट्स एक्चुअली आई यूज फॉर माय स्किन. और मैंने बता दिया कि जो पेड प्रमोशन है पेड प्रमोशन है. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. और अभी भी अगर आपको मुझे बुलाना है फिल्टर ब्यूटी, प्लास्टिक ब्यूटी या कुछ भी ब्यूटी, इट्स ओके यार. मतलब पता नहीं तुम लोग को इससे क्या मिल रहा है, बट मेरे को वीडियोस बनाने से पैसे मिल रहे हैं एंड फेम मिल रहा है, एंड लोग मुझे जानते हैं, सो आई एम हैप्पी. अब तुम लोग को ये ट्रोल करने से और ऐसा करने से क्या मिलता है, अगर आपको हैप्पीनेस मिल रही है सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ले लो. बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आप ट्रोलर्स तो ट्रोलर्स ही होंगे. अच्छे डोमैट के पास जाओ, थोड़े से पैसे लगाओ और उनसे पूछो व्हाट इज योर स्किन टाइप. आप नायासिनामाइड लगा सकते हो कि लगा सकते हो, आप हाइलोरोनिक एसिड लगा सकते हो लगा सकते हो, आप रेटिनॉल लगा सकते हो लगा सकते हो, आप सैलिसाइलिक एसिड लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो. प्लीज आस्क क्वेश्चंस, इट्स योर स्किन, ठीक है. आप जितना भी इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, ये ग्लास स्किन ये वो ग्लास स्किन, कुछ इन्फ्लुएंसर सच बताते हैं कि उनकी स्किन यहां से यहां तक कैसे पहुंची, वो अपनी जर्नी बता रहे हैं. उसको आप अपनी जर्नी मत बनाओ, जाकर डॉक्टर को दिखाओ, आस्क. ओके, आई होप इट्स क्लियर एंड आई लव यू ऑल. एंड जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, आई लव यू ऑल दिल से. एंड 5 मिलियन कर दो, बहुत बड़ा गिव अवे आने वाला है 5 मिलियन पे. आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ऐसा वाला गिव अवे आने वाला है. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दिस. आई लव यू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर.